सतनाम करता हूँ। नरो निरैरकाल मूर्त अदुनीसे हम सत्सार। सम्मानित गुरु सत्संगियों, गुरुवाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट करा पेश कर सनिमर पते प्रवान करने वाहे जी का खालसा वाहे जी की फतेह। गावे को जापे दिसे को गावे को वेख है हादरा हादरोस। हे प्रभु कोई तेनु गा रहे है किस ढंग ना, किसी ने इस ढंग नाल तैनू समझे है, गावे है, उच्चारण किया है, तुम दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। और कुछ इस ढंग नाल गायन कर रहे हैं तो उन्होंने समझ है तुम बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। इन दोहां दो तरह के गाण भले हैं गुरु नानक अपने कलाम दे स्थान देते हैं। गावे को जापे दिसे दो, हे प्रभु तू दूर जापदा। किस ढंग नाल गा भी रहे ने, किस ढंग नाल उन्होंने समझ आया ऐसा वो कह रहे हैं। दूसरे कह रहे ने गावे को वेख है हाजर हदूर। असी तो वेख रहे हैं हाजर नाथ को बिल्कुल नेड़े। जे तुसी गुरबाणी भगतां दी बाणी पढ़ो, भगत इन्हां दो हिस्सों च वंडे हुए हैं। कुछ कहिंदे ने नेड़े है, कुछ कहिंदे ने दूर। बाबा फरीद कहिंदे ने गलिए चिक्कड़ दूर है, नाल प्यारे ने हे प्रभु हे खुदा तेरे नाल प्यार ते है पर करा कि तेरा घर बड़ा है। बहुत दूर, बहुत दूर। सिर्फ दूर ही नहीं, जिन्हां रस्तियां चो लंघ के मैं तेरे तक पहुंचना है रस्ते च चिक्कड़ बड़ा, दलदल बड़ा। चला तो भेजे कमली, चलदा ते मैं चिक्कड़ नाल भेजदा, गंदा कपड़े खराब होंगे, हाथ पैर चिक्कड़ आलू दो, राह का टूटे ने जे नहीं चलदा तेरा प्यार टूटदा है। ते चलदा मैं चलदा तो तेरे तक पहुंचना ते नसीब आउंदा नहीं, चिक्कड़ दे चले बढ़ना ही नसीब। फरीद ने यह जो दूरी बयान की थी इसका खुलासा के बाद पर कहने तू दूर है खुदा तू दूर। दूसरे भगत रविदास वो कहने कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई। ये हाथ भी जितना तन तो दूर जा सकता है, ये प्रभु तू तो इतना भी दूर है, बहुत ने, बहुत ने। और इतना नेड़े है, इतना नेड़े है, तेन देखना बड़ा औखा हो गया। अखा के उपर किताब रख रही है, अखर नहीं दिखाई देने, नहीं पढ़ सका, देखने वास्ते कोई दूरी चाहिए। अखां ते कोई तस्वीर रख दी है, नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं पता। देखने वास्ते कुछ ना कुछ ते दूरी चाहिए। कई दफा असी देख रहे हैं अखां च कोई रड़क पै जाती है, कोई तिनका पै जाता है बहुत छोटा, ते दूजे नूं कहने आ जरा देख मेरी अख दे च की पै गया। हर दो अखा पहाड़ा वेखदियां, सूरज चंद तारियां वेखदियां।
ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ? ਉਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੇ ਦੂਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਦਰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਜਨ ਕੀ ਮਾਛਰੀ ਚੜੇ ਖਰੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਬੜਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਛੇਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹੀ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਦ ਕੋਈ ਮਛੇਰਾ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਨਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਛਲੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਜਮੀ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ, ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਕਾਲ ਦੂਰੀ, ਕਾਫੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੂਰੀ, 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਟਣੀ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ?
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ। ਸਭਨੇ ਥਾਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਥਾਨਕ ਉਹ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 10 ਮੀਲ ਹੈ ਤੇ 20 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 2 ਮੀਲ ਹੈ ਤੇ 100 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤ੍ਰਿਲੋ ਆਦਮ ਇੱਕ ਅਖੰਡਤ ਵਸੇ ਅਨਾਦਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਖੰਡ ਹੈ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੱਛਲੀ ਜਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਜਲ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਪ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਵਧਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟੇ ਨਾ ਪਾਪ ਮਿਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਅਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚੈਸਲੋਤਾ ਸੁਣ,
मन की आदत ही नहीं है सुनना, मन की आदत है बोलना। वो खेलना हूं आप इतने सारे बैठे हो, मन कुछ ना कुछ दे बोल रहे, हर एक का बोलना नहीं चुप कर। पुराने विद्वाना ने अगर ऐसा आख्या जे मन मौन हो जाए तो उस मनुख के अंदर परमात्मा बोलने लग पैंदा, उहदे बोल परमात्मा दे बोल होंदे। आपको बोल ना जानता हूं कहा सब हुक्म आओ जी। गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं बोलना नहीं जानता, मैं चुप कर गया, हूं जो भी बोलता है परमात्मा ही बोलता है, मैं नहीं बोलता। मोहम्मद साहब के कंठ तो जब कुरान दियां आयतां निकलियां तो उन्होंने पत्नी खदीजा, हजरत खदीजा, वो कहने लगी मुहम्मद ये बोल थोड़े नहीं हो सकते, मैं रोज सुन दिया थोड़े बोल, पर ये बोल इतने क्रांतिकारी, इतने बा असर, इतने गहरे, इतने उच्चे, ये बोल थोड़े नहीं हो सकते। मुहम्मद साहब कहने खदीजा तू सही जाने, मैं तो चुप कर गया, पता नहीं की खुदा बोल जा रही, खुदा बोली जा रही, मैं तो चुप कर गया। मुसलमान कहने कुरान नाजल हुई है मोहम्मद साहब, जब मन चुप कर जाए तो जेड़े बोल प्रगट होंगे परमात्मा दे, जो निज प्रभु मो सो कहा सो कहो जग मां। कलगीधर पातशाह कहने मैं नहीं कह रहा, पता नहीं परमात्मा की कह रहे हैं, मैं जगत सुनता पे मेरे को। गुरु गोबिंद सिंह मन नहीं चुप कर, जिदा मन चुप कर जाए तो संत हो गया, जिदा जन्म तो ही मन चुप है उसके अवतार है, क्योंकि परमात्मा के बोल के मुताबिक जीव है तो जगत के जीवन में चलाने की कोशिश करता है। मन सुनता नहीं, मन बोलता है, मन वक्ता है, मन श्रोता नहीं है, नहीं सुनता, किसी का भी नहीं सुनता। अठ घंटे पाठ करने वाला मनुख जो जबान नाल कर रहा है, अठ मिनट उदा मन नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। मेरी जिंदगी का यह तजर्बा है, तकरीबन 45-46 साल हो गए मैंने कथा करते, और धार्मिक जगत के बड़े उतार चढ़ाव में देखे, बड़े बड़े रस पुरख भी मिले इस दुनिया, कईयां दे अनुभव, कईयां दी सोच समझ। पर मैं अर्ज करा अभ्यासियां ने एक ही समस्या रखी, मन चुप ही नहीं करता, कहीं मन सुन रहा। बहुत सारे लोगों को तो इस चीज का पता भी नहीं है, आए गुरुद्वारे मत्था टेक लिया, चलो ठीक कथा कीर्तन सुन लिया, और सुनया नहीं होता या सुने नहीं। सुनया एक पंक्ति जिंदगी बदल के रख देगी, एक भोजन की बुर्की अंदर गई है तो कुछ ना कुछ तो होगी, बचेगी, खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, कुछ ना कुछ तो बनेगी। अगर शब्द मन ने सुन लिया है तो यह मन हम उस तरह का नहीं रहेगा, बदल जाएगा, दुनिया बदल जाए, वो नहीं रहेगा। 40-40, 45-45 साल तो आ रहे ने गुरुद्वारे, मन ते ओही दा कुछ नहीं सुनता। विद्वाना ने, प्राचीन विद्वाना ने तत् कटिया से मन मौन हो जाए, चुप कर जाए, उस मनुख दे अंदर परमात्मा बोलता है। और कहने उसकी जबान नहीं बोलती, उसकी जबान के राही परमात्मा बोलता है, क्योंकि परमात्मा उसकी जबान दे होता है। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, भोजन की बुद्धि जबान ते हुए जबान रसना भर जाती है, शब्द प्रभु का नाम बस गया रसना में, रसना हर वक्त रस डूबी रहेगी। और यह हालत ता बनती है जब मन सरोता बने, मन सुने, उन्हां बोलां विच बरकत होंदी है। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, मन नहीं सुनना। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना,
कि श्रोता है सरवन तो बने कि सुरत दे सुन गए सुरत सुनना सुरत समझना इन सुरत आ गई समझ आ गई सुरत दे अर्थ समझ इसकी सुरत जुड़ गई हूँ सुरत का अर्थ ध्यान सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना इत स्रोत है इत सुरत दे अगर सुरत दे तो सुरत आ जाएगी अगर सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाए लेकिन आरंभता पे स्रोत तो होगी ना सुरत तो होगी मन नहीं सुनता मन बोलता है मन की आदत है बोलने की अमृत वेले उठ के किसी दिन जबान नाल वाहेगुरु जपना कोशिश करना मन सुने नहीं सुनता मन बोलता है उदों पता चलेगा नाम अभ्यास किसनों कहते हैं और उदों यह भी पता चलेगा गुरु नानक ने यह क्यों कह दिता आखण औखा साचा नाम सारी सारी रात में देखे ने बंदे वाहेगुरु करी जाते शायद लखां दफा उच्चारण कर लेंगे एक दफा भी मन नहीं सुनता नहीं सुनता मन की आदत ही नहीं सुनती मन का सुभाव ही नहीं है इस वास्ते मन को स्रोता बनाना ही धर्म की साधना है मम्मा मन स्यों काज मन सा दे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोए दसम ग्रंथ नूं पढ़दिया मैं एक दिन हैरान हो गया कलगीधर पातशाह मन नूं गुरु कहिंदे सर्व काल है पिता अबारा देव काल का मात हमारा मनवा गुरु गुर मनसा माई जिनमो को गुरु सिखिया पढ़ाई साहब कहिंदे ने कि मन मेरा गुरु सर्व काल है पिता अबारा देव काल का मात हमारा मनवा गुरु गुर मनसा माई जिनमो को शुभ क्रिया पढ़ाई ये मेरा मन गुरु है क्यों मन मन्ने ते परमात्मा है मन ना मन्ने ते नहीं नहीं मन पुत्र नु पुत्र करके मन लेता है मन मित्र नु मित्र करके मन लेता है मन पत्नी नु पत्नी करके मन लेता है मन पति नु पति करके मन लेता है मन मां नु मां करके मन लेता है पिता नु पिता करके मन लेता है मन परमात्मा नु परमात्मा करके नहीं मन नहीं मन जिन्हों मनता है फिर ओदी मनता है मन जिन्हों नहीं मनता ओदी नहीं मनता बड़े ध्यान नाल सुन मन जिन्हों मनता है मन ओदी मनता है मन जिन्हों नहीं मनता मन उसदी नहीं मनता मित्र दे कहने ते मनुख शराब पी सकता है की करिए मित्र ने मजबूर कीता पी नहीं गुरु दे कहने ते अमृत नहीं छक सकता नहीं छक सकता गुरु की गल ठुकराई जा सकती मित्र की गल अपनाई जा सकती क्यों मन ने मित्र नु मित्र करके मनिया मन ने गुरु नु गुरु करके नहीं मनिया जो नहीं आंदे गुरुद्वारे उन्हां दे मन ने भी नहीं मनिया जो आंदे ने गुरुद्वारे उन्हां दे मन ने भी नहीं मनिया झूठी खुशामद किसी को ना कराया करो झूठी खुशामद आदि भी ना बनो बड़ा प्रेमी है जी बड़ा गुरमुख प्यारा है जीवन दे हर पक्ष विच गुरु अगे ही नहीं है उस ढंग नाल जीवन ही नहीं बतीत कर रहे जिहड़े गुरुद्वारे आने नाल गुरमुख हो गया नहीं गुरुद्वारे आना हाजरी बनना है सुरत दा शब्द नाल जुड़ना यह गुरु की हजूरी विच जाना है सुरत सुनना सुरत समझना सुरत जुड़ना मन नहीं सुनता मन बोलता है जबान भी बोले ते मन भी बोले ते कौन सुने इस वास्ते हर बंदे की कोशिश है दूजे नु सुनावा दूजा सुने पुरखा जिहड़ी गल 40 साल सुना सुना के तेरे मन ने नहीं सुनी बाकी कितने सुन लेंगे बाकी आसमान तो डर गए ने बाकी भी नहीं सुनते कोई भी नहीं सुनता कोई भी नहीं सुनता असलियत हकीकत मनो गुरु मनसा माई जन्म गौसव गिरया पढ़ाई है दूर है गावे को जापे रिसे दूर क्या अस्थान तलते दूर है कदे
अस्थानक दूरी परमात्मा से लागू नहीं होती, क्योंकि तो सारी जगह सब जगह। दूसरी दूरी आती है काल दूरी, समय की दूरी, वक्त की दूरी। जैसे असं कह सकते हैं फलाना 50 साल पहले तो है सी, आज नहीं, आज नहीं। कम से कम 50 साल की दूरी तो हो गई, आज नहीं। बाबा फरीद कहने फरीदा किथे तेरे मापिया जिन्नी तू जाने। फरीद कहने किथे गई मां, कल ते है सी अज कोई नहीं। 10 साल पहले ते है सी, अज नहीं। 20 साल पहले ते पिता है सी, अज नहीं। पता है परमात्मा नूं कहने ने अकाल, उस समय विच नहीं है, बाकी सब समय विच है। काल पाए ब्रह्मा मवदरा, काल पाए सूजो अवधरा, काल पाए कर विसन प्रगासा, सकल काल का किलो तमाशा। सब समय का तमाशा है। जो अज है किसी दिन ऐसा होगा लोग कहेंगे हैगा सी, अज नहीं। इंज कहेंगे किसी बारे होगा अजय तो उसके घर मुंडा कोई नहीं होगा, अजय तो उसका पोतरा कोई नहीं शायद होगा। यह होगा यह शब्द परमात्मा से लागू नहीं होगा, होया सी नहीं लागू होता, है सो है। त्रैकाल दर्शी समा उस नहीं खाता, उस समय तो बाहर है, समय तो न्यारा है। या मैं इंज कह दिया परमात्मा की दुनिया समय है ही नहीं, इस वास्ते अकाल काल समय कहते। कलगीधर पातशाह जाप साहब दे कहने अकाल है अजाल है, ये परमात्मा ये अकाल पुरख, तू समय के जाल विच नहीं है, तू समय की पकड़ विच नहीं है। अजाल है जाल तो बिना है, समय का जाल तेरे ते नहीं है। गुरु नानक कहने जाली रहें जाल दिन बुआ जेती घड़ी फाई देती। समय नू पहचानने असी दिन करके रात करके। महाराज कहने दिन भी जाल है रात भी जाल है, कोई दिन करके फसे है कोई रात करके फसे। किसी नू दिन वरत लेंदा किसी नू रात वरत लेंदी, दिन रात मनुख नूं वरत लैंदे और एक दिन चलता कर देंदे। बंदा कहिंदा है मैं दिन दी वरतों कीती है, दिन ते हमेशा रहेगा तू नहीं रहेगा, दिन ने तेरी वरतों कर दी। तू क्या कहना मैं दिन दी वरतों कीती, रात तेरी वरतों कर लेगी, समा तेरी वरतों कर लेगा। तू समय दी पकड़ दे चाहे, तू समय दे जाल दे चाहे। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते समय नूं पहचानिया जाता है दिन करके रात करके। दिन जाल है रात जाल है, मनुख फसे है। जाली रहें जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। परमात्मा की दुनिया दिन रात ही नहीं है, ना दिन ना रात समा नहीं है। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र ताम बसे निरंकार, कहित कबीर मर दिसे दिया वो बावरिया संसार। ऐ पागल संसारियों, कबीर कहने उसका चिंतन करो जी दुनिया समा ही कोई नहीं, वक्त ही कोई नहीं। एक ते समा थानू हाथ देते बनी हुई घड़ी दस दी एक एक मिनट सेकंड। दिन करके पता चलता है हम दिन का पहला पैर है, दूजा पैर है, तीजा चौथा। रात को नापते होंगे सन पुराने लोग सप्त ऋषियां करके तारियां की चाल। रात का पहला पैर हो गया, रात का दूजा और रात का तीजा पैर हूँ चौथा पैर है वो फुट गई नापते सन। रात को नापण का ढंग, दिन को नापण का ढंग, समय को नापण का एक ढंग। दिन सरैन वेद नहीं शास्त्र ताहां बसे निरंकारा, कबीर कहते निरंकार की दुनिया च ना दिन ना रात बहुत समा है ही नहीं, है ही नहीं। तो
एक समय की पहचान आती है, दिन रात करके एक समय की पहचान आती है, हद के उ बनी हुई वाच करके घड़ी करके। लेकिन एक समय की पहचान सानू साडा मन दसता है। और विद्वान कहते ने बस वही ठीक दसता है। मनुख बेचैन बैठा है, बेहाल बैठा है, परेशान बैठा है, या पीड़ा दिच बैठा है, संताप दिच बैठा है, समय लंबा हो जाता है। कहते अज का दिन तो इतना लंबा हो गया, घटना ही पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, तड़पना है, बेहाली है, बेचैनी है, परेशानी है। मनुख कहने रात तो बहुत लंबी है, लंघती है, दुख दे समा लंबा हो जाता है। जितना दुख गहरा हो उतना ही दिन लंबा हो जाता है, उतनी रात लंबी हो जाती है। बाबा फरीद कहते ने फरीदा राती वड़िया दुख दुख उठन पास दुखन होके ते होके ते विछोड़े च निकलणगे। धन का विछोड़ा, प्रभुता का विछोड़ा, सेहत का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, मित्रां का विछोड़ा, पुत्रां का विछोड़ा, वतनां का विछोड़ा। जिस नाल बहुत प्यार होवे ते उसका विछोड़ा ते तड़पाएगा या परमात्मा का विछोड़ा होके निकलणगे। तड़पना भी समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। जितनी ज्यादा पीड़ा होगी उतना ही समा लंबा होगा। धन गुरु अर्जन देव जी के दो बोल थोड़े सामने रखा तो मैं अगे चला। साहब कहते ने चार पहर चौ जोगे समान है, रहन भई तब अंत न जाने। हे प्रभु तेरे विछोड़े की पीड़ा रिच दिन दे चार पैर चार युगां वर गए, नहीं लगते, नहीं लगते। दुख दे समा लंबा हो गया, और चार युग दे लखां सारा वर गए हो गए अगर पुरानी गणत के मुताबिक गिणिए। लेकिन दास ने जिस ढंग नाल गिनती की थी, हर 2500 साल बाद युग बदल जाता है। या वध तो वध गिणो 3,350 साल दे युग बदल जाता है। अज तो 5,000 साल पहले श्री राम है सन, इन्ना ही समय है त्रेते युग दे अवतार। अज तो 3,500 साल पहले श्री कृष्ण है सन, ये विचार कितना समय लगा है कि द्वापर दे अवतार, कि फिर 525 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज का वजूद शरीर है सी, कि कलयुग दे अवतार विचार किन्ना कि गया है। इस प्रकरण अलग में चार युग एक लेख भी लिखे से वध तो वध अवधि एक युग की 3,350 साल तो ज्यादा नहीं है। तो युग का बदलना की होता है, मनुख के विचार का बदल जाना, सोचनी का बदल जाना, जीवन के ढंग का बदल जाना, जिंदगी के मकसद का बदल जाना, बस बदल गया, युग बदल गया, खान पान बदल गया, विचार बदल गए, संस्कार बदल गए, जीवन का ढंग बदल गया, सोचनी बदल गई। किसी तब्दीली ना युग की तब्दीली कहने ना जमीन बदलती है, ना आसमान बदलता, ना सूरज चंद तारे बदलते, बदलता कुछ भी नहीं, सिर्फ मनुख का रहन सहन बदल जाता, सिर्फ मनुख की सोचनी बदल जाती है। यही गुरु नानक कहते हैं सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन हर तप्त रहे, सागर तीसा पवन जो लारे, युग जी खेले थां कैसे, राम कंडी मल्ला पैदा। महाराज कहते जो सतयुग के सूरज से सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन हर तप्त रहे, ओही दिन हर ओही सूरज, चंद्रमा भी हुई है, तारे भी हुई है, जमीन भी हुई है, आसमान भी हुई, सागर भी हुई है, जो सतयुग के से। तो की बदलता है जो तुसी कहते हो युग बदल गए, गुरु नानक का प्रश्न। और गुरु नानक ने आप भी जवाब दिते ने इस लंबे चौड़े शब्द विच, पर करने इस वक्त यह नहीं। सतगुरु कहते हैं विचार बदलते हैं, सोचनी बदलती है, युग बदल जाता है, रहन सहन बदलता है, तरसे जिंदगी बदलती है, युग बदल जाता है। चलो एक अलग प्रकरण। साहिब कहते हैं चार पहर चौ जोगे समान है, हे प्रभु तेरे विछोड़े की पीड़ा विच दिन दे चार पैर चार युगा वर गए, हजारां साल वर गए, नहीं लगते।
कि कभी भी कल्पना ना समझ लेना, एक अवतारी पुरुष के अमर वाक ने पीड़ा में समा लंबा हो जाता है, दुख में समा लंबा हो जाता है, बेहाली बेचैनी परेशानी समा लंबा हो जाता है। चार पहर चौ जो गए समा ने एक घड़ी दिन को बहुत दया, मन न रहे कैसे मिलों गया, एक घड़ी कई दिना भर गई है नहीं लगी, दुख दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है। बंदा कह देता है अज का दिन होने आया होने चला गया, एक घंटा इंज लंघ गया जमे एक मिनट, कभी कोई संगीत की धुन कोई कविता कोई नृत्य कोई महफिल, लोग कह दिन फलाने ने तो समय को बन के रख दिता, समा दे रुक गया, समा नहीं रुकया, समा तो अपने चाल नाल चलता है। सुख दे समा छोटा दिखाई देता है छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, भाई दिन इंज लंघ गया जिवें एक मिनट, सुख दे बेहाली बेचैनी विच एक मिनट इंज लंघ गया जिवें कई युग नहीं लंघ, दुख दे समा लंबा हो जाता है, सुख दे समा छोटा हो जाता है, समाधि दे समा खो जाता है। परमात्मा की दुनिया समा नहीं है, वक्त नहीं, काल तो परे है, जब कोई काल तो निकल जाता है जन्म मरण तो निकल जाता है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, अस्थानक दूरी ते काल दूरी परमात्मा ते लागू नहीं होंगी, वह सर्वकाल है, सर्वकाल सर्व ठौर एक से लग, वो अकाल है, समय की गिरफ्त नहीं है, समय की पकड़ नहीं है। तो समय की दूरी भी परमात्मा से लागू नहीं होती, असी नहीं कह सकते परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा, समय की दूरी परमात्मा से लागू नहीं होती, अस्थानक दूरी भी लागू नहीं होती, भाई 10,000 मील दूर है या 20,000 मील दूर है या 500 मील दूर है, अस्थानक दूरी भी उससे लागू नहीं होती, फिर भी दूर फिर भी दो। गावे को जापे दिसे दो, गावे को वेखे हादरा हदो, गान वाले दिया कई कोटियां गुरु नानक ने बयान कीतियां ने इस पौड़ी च, मैं दो नुकते थोड़े सामने रखे ने, गा रहे है कोई बहुत दूर है बहुत दूर है, गा रहे है कोई बहुत नेड़े बहुत नेड़े, और दोवें ठीक गा रहे हैं। अस्थानक दूरी परमात्मा से लागू नहीं आती, समय की दूरी भी लागू नहीं आती, फिर भी दो दूरियां लागू होती हैं परमात्मा से, दो दूरियां लागू होती हैं केड़ियां, तू मेरी समझ तो दूर, मेरी समझ तेरे तक नहीं पहुंच, तू मेरे चेते तो दूर है मेरी याद तेरे तक नहीं पहुंच, ऐ दो लागू होती है। तुम सारे पढ़े लिखे के सियाने बैठे हो, हम यह खुलासा मैं थोड़े सामने रखा, जो मेरी समझ में नहीं नहीं है नहीं होवेगा परमात्मा, मेरी समझ में नहीं है तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है, रोम रोम दे च होई सही पर मेरी समझ में नहीं है तो नहीं है, जो मेरे चेते विच नहीं नहीं है, जो मेरी समझ विच नहीं नहीं है। इसके फिर मैं एक उदाहरण देना ना भी थोड़े सामने रखा, पशु नानके दादके सौरे के पशुओं के भी होंगे ने, नानी उन्होंने भी है, सस उन्होंने भी है, दादी उन्होंने भी है, मां भैन उन्होंने भी है, भरा उन्होंने भी है, पति पत्नी के संबंध उन्होंने भी बनते हैं, पर समझ कोई परिवार के आंदे हो पशु परिवार तो बिना जीवता है, क्यों समझ नहीं, समझ नहीं, ना भैन दी ना मां दी ना विरा दी ना पिता दी नहीं समझ, परिवार के आंदे हो पशु
परिवार तो बिना जीवदा क्यों समझ नहीं है। निरंकार दे होंदे होया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा क्यों समझ नहीं जीवन का ढंग दसदा पे पशु का इनू परिवार की समझ नहीं है। औखे नहाना मनुख की जिंदगी दसदी पई है इनू रब की कोई समझ नहीं कोई समझ नहीं जीवन का ढंग दसदा पे परिवार के होंदे आया पशु परिवार तो बिना जीवदा क्यों समझ नहीं उहदा जीवन ही दसदा पिया वाकई समझ नहीं निरंकार दे होंदे होया मनुख निरंकार तो बिना जीवदा क्यों समझ नहीं है और मनुख दा जीवन दसदा पिया वाकई समझ नहीं है। तू मेरी समझ तो दूर है बहुत दूर है मेरी समझ नहीं पहुंचती तेरे तक। तू मेरे चेते तो दूर है मेरी याद शक्ति नहीं पहुंचती तेरे तक। जो मेरे चेते च नहीं पंजाबी च चेता कहिंदे ने उर्दू च याद कहते हैं संस्कृत सिमरन कहते हैं। जो मेरी सिमरति विच नहीं नहीं है जो मेरे चेते विच नहीं नहीं है जो मेरी याद विच नहीं नहीं है। मेरे जेब विच मोती होवे मेरे चेते च नहीं है तो नहीं है। मेरे सामने हीरा पे मेरी समझ विच नहीं है तो नहीं है। कम से कम हीरा पे नहीं है क्योंकि मेरी समझ विच नहीं है। जो मेरी समझ विच नहीं नहीं जो मेरे चेते विच नहीं नहीं। क्या वाकई परमात्मा समझ दे चाह जांदा है ते हुण मैं ए वी अर्ज करा कि नेक बंदे ने जिन्हां दी समझ च आ जांदा है दोवें नुक्ते तुहाडे सामने बयान करा। जन नानक को तन में किन्हो गुरमुख होए पछाना करोड़ां च होई जिहदी समझ च आउंदा है करोड़ां च हजारां च नहीं सैकड़ियां च नहीं करोड़ां च एक करोड़ दे च भी एक नहीं कई करोड़ां च एक। इस वक्त जमीन दे उत्ते कोई 6 अरब दे करीब आबादी होण लगी कि चलो 5 करोड़ दे च भी एक मन लो किन्ने क होणगे किन्ने क होणगे ज्यादा नहीं इस चक्कर च ना पैना। चंदन तरना बन बन साधना पुर परमा है चंदन का दरख्त हर जंगल दे च नहीं है। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा हर शहर दे च नहीं है हर मुल्क दे च नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं नहीं जो मेरे चेते दे च नहीं नहीं है तो वाकई परमात्मा समझ दे च आ जाता है। अगर समझ दे च आ जाता है तो फिर परमात्मा वड्डा नहीं मेरी समझ वड्डी है। बड़े ध्यान नाल सुनो किसी आखोगे फिर मैं ऐसा क्यों पिया कहना गुरबाणी क्यों कहती है तू समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी ना। हे प्रभु तू बहुत वड्डा है बहुत वड्डा है सागर की तरह मेरी समझ ते प्याले दी तरह। इस सागर प्याले च किस तरह आ गया समझ समझ के एक समझ मिलती है कि मैं तेनों नहीं समझ सकता मैं तेनों नहीं समझ सकता तू मेरी समझ विच नहीं आ सकता। ये बहुत वड्डी समझ है बड़ी महान समझ है। समझ समझ के एक समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं नहीं समझ सकता बड़ी वड्डी ये अनुभवी घटना उसकी जिंदगी च घटती है। मैं पढ़ रहा से एक दिन सुबरात उसकी आप बीती उसकी ऑटोबायोग्राफी जो उसने लिखी है कहिंदा जब मैं छोटा सी बच्चियां नाल खेडदा सी ते डिंगा मैं मारदा हुंदा सी बच्चियां दे सामने मैं सब कुछ जानदा हुंदा सी पुछो ते मैं दसांगा तुसीं कोई भी प्रश्न करो मैं दसांगा क्योंकि मैं सब कुछ जानदा। सुकरात कहने बच्चे मेरा रोग मनते सन तो मैं बच्चों का मुखी बनया हो नेता बनया सारे मैं तो डरते सुकरात कहने जब मैं जवान होया तो फिर मैं एक कहना शुरू किया कि कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता नहीं जानता
सारे सवालों का जवाब नहीं देना, क्योंकि कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानता। कहता आज मैं बुढ़ा हो गया और बैठा मैं बुढ़िया की महफिल देख और मैं ऐलानिया कह रहा मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जान जान के ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सोई अजान कौन उन्हों अनजान समझ दो, सोई अजान कहे मैं जाने जानन हार न छाना है, अनजान समझ लो सुनो जिड़ा दावा करे डींगा मारे मैं जाने की खाक जानेगा। जीवन भर की जानकारी इंज होगी जिम्मे सागर चो एक चम्मच पानी दिख जाएगी, एक चम्मच पानी दी सागर दे चो मनुख दे जीवन भर की जानकारी इस तो ज्यादा नहीं हो सकती। मनुख विस्माद हो जाता है ये जान के कि मैं नहीं जान सकता, ये प्रभु मैं नहीं जान सकता। उस्ताद जौक होए ने बहादुर शाह जफर दे दरबारी शायर वो कहते ने हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी, पढ़ लिख के जान जान के मैं ये जाने कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। की होया सागर दे चे चम्मच पानी दी मिल गई की मिल गई, मैं कुछ भी नहीं जानता, बहुत वड्डी जानकारी है। मनुख विस्माद हो जाता है, रहस्य दे डूब जाता है, हिरदा याद करन लग पैंदा है, परमात्मा नूं याद करन लग पैंदा है। हुण मैं अर्ज करा कितने एक बंदे ने जिन्हां दा चित परमात्मा नूं चेते करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज फरमान करदे ने कोटन में नानक को नारायण जय जी, कोरोना च एक है जिदे सिमरन दिच जिदे चेते दिच जिदी याद दिच परमात्मा। ये दो दूरियां लागू हो गया परमात्मा से, तू मेरी समझ तो परे है नहीं पहुंचती मेरी समझ, तू मेरे चेते तो परे है नहीं पहुंचती मेरी सिमरन। अमीर खुसरो इतने तक कहते हैं अब तो याद दे रक्त गांव की भी पहुंच नहीं, दोस्तों ने कितनी दूर बसाई है बस्तियां, ए खुदा तेरी बस्ती बड़ी दूर है की करिए मेरी याद भी नहीं पहुंचती, तेरे तक मेरी याद भी नहीं पहुंचती, बैठना तेन याद करने परिवार याद आंदा तू तो नहीं आंदा, पदार्थ याद आंदे परमात्मा की याद आ, संसार याद आंदा तू तो नहीं आंदा। अमीर खुसरो कहने संसार तक मेरी याद पहुंच जाती है, परिवार तक मेरी याद पहुंच जाती है, पदार्थां तक मेरी याद पहुंच जाती है, ये परमात्मा तेरे तक नहीं पहुंचे रस्ते ही रह। बहुत वड्डी सच्चाई नूं बयान कीता गुटका अते चे पड़दा बाणी पे है याद दे संसार दी जबान नाल जपदा वाहिगुरु वाहिगुरु पे है मन ते किधरे परिवार दीआं उलझणां च फसिआ। अमीर खुसरो कहिंदा है हे खुदा याद परिवार तक पहुंच जाती है, पदार्थां तक पहुंच जाती है, संसार तक पहुंच जाती है, हे निरंकार तेरे तक नहीं पहुंचती, की करा तेरी बस्ती इतनी दूर है, तो इतना दूर है। अस्थानक दूरी परमात्मा से लागू नहीं होती और समय की दूरी भी परमात्मा से लागू नहीं होती, फिर भी दूर है, फिर भी दूर है। बाबा फरीद कहन गलिए चिक्कड़ दूर कर, केड़ी दूरी है तू मेरे समझ तो परे तू मेरे चेते तो परे, जद तेनों याद करन लगदा तां चलां तां भिज्जे कमली गलिए चिक्कड़ दूर कर, रस्ते चिक्कड़ बड़ा याद तेनों करदा याद आउंदे ने पदार्थ, याद करन लगदा अरूप नूं ते रूप याद आउंदा,
ये निरंकार तेन याद कर बैठना संसार याद आंदा है चिकड़ च लिबड़ता तेरी याद ते आंदी को बहुत वड्डी सच्चाई बाबे फरीद ने बयान कर दी। अभ्यासी लोग जो अभ्यास करते चार चार घंटे का अभ्यास करने वाले भी रोंदे मिलेंगे भी एक मिनट भी याद नहीं चली खबे चार घंटे मेहनत इतनी की थी तू मेरी समझ तो परे है तू मेरे चेते तो परे है असी ईश्वर नु गवाया नहीं गवा नहीं सकते गुलाया है गुला सकते मैं फिर दोहरा असी ईश्वर नु गवाया नहीं गवा नहीं सकते उसके जन्म उसके जीवन उसके मरण उसके जिवें मछली का जन्म मरण सारा सागर देच है सब कुछ तो परमात्मा च हो रहा है असी उसनु गवाया नहीं गवा उस नु सकते हैं जो एक जगह है तो दूजी जगह नहीं सब कुछ तो उसके है असी परमात्मा नु गवाया नहीं गवा नहीं सकते बुलाया है बुला सकते ते बोलिया क्या है समझ नहीं है ते समझ के नहीं है समझ ए नहीं है हे प्रभु मैं नहीं समझ सकता मैं नहीं समझ सकता तू इतना महान ते तेरी महानता के सामने मेरी समझ इतनी छोटी हे प्रभु मैं तेनू याद कर सकता जिस दिन समझ मनुख की प्रभावित होती है मनुख का हिरदा याद करता है मनुख की समझ मन तो प्रभावित है हिरदा याद करता है मनुख की समझ परिवार तो प्रभावित है क्योंकि परिवार तक समझ पहुंच जाती है ये भैन है मां है पत्नी है ये पिता है ये पुत्र है और समझ प्रभावित है तो याद भी परिवार तक पहुंच जाती है पदार्थों की समझ है तो पदार्थों तक याद भी पहुंच जाती है परमात्मा की समझ नहीं याद नहीं पहुंचती। और मैं ये भी अर्ज करा ओदी याद ही महा आनंद है सतगुरां दी बाणी कहती बस मैं समाप्ति करा तुझ चित आरे महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए जिनू भुल जाता है ओदियां सारियां खुशियां मर जाएं जिनू भुल जाता है ओदे सारे गुण मर जाते गुरु नानक ने साफ कह दिता है हर विसरत तेरे गुण गलिया इधर तू प्रभु नू भुलिया तेरे गुण गलदा है ईश्वर को बुला के कोई मनुख सही मायने दयालु नहीं हो सकता समदृष्ट भी नहीं हो सकता आत्मदर्शी भी नहीं हो सकता प्रेम का सागर भी नहीं बन सकेगा निर्वैर भी नहीं हो सकता निर्वैर भी नहीं हो सकता हर विसरत तेरे गुण गलिया इधर भूलिए इधर गुण मनुख दे गल जाते गुण रहिंदा ही नहीं कोई अगर गुण कोई दिखाई भी देने तो कागजी भुल हो गए असली भुल नहीं है पखंड है कुछ भी नहीं मरण बिसरण गोविंदे गोविंद नो भुल जाना मौत है जीवन हर नाम दे आवने उन्हों याद करिए ते जिंदगी सो जीवया जिस मन वसया सोए नानक अवर न जीवे कोए जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता खिच खाए। दो नुक्ते बयान करके मैं समाप्ति करा भाई साहब भाई नंद लाल कहने गम चे बाशद गम की है चीज ते शादी खुशी की है शादी दे अर्थ खुशी है शादी दे अर्थ आनंद कारज विवाह नहीं है विवाह दे उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह ई दिल शाद अस्त ये दिल ते बड़ा खुश है शाद का मतलब खुश ई दिल ना शाद अस्त ये खुश नहीं है ई खाना है शादी अस्त इस घर दे ते बड़ी खुशी है शाद खुश शादी खुशी चीज तो शादी भाई साहब कहने ने भाई नंद लाल खुशी की है गम चे बाशद गम की है आप ही जवाब देने गम चे बाशद गफलत अज याद है खुदा बस परमात्मा नु भूल जाना गफलत करनी बस यही गम है और कोई गम नहीं इधर तू भूले हैं इधर दुखां दे पार परमेश्वर ते बोले आ व्यापन सबे जिंदगी चले रही हम छे बाशद गफलत अजिया दे खुदा चीज ते शादी
याद आंबा मन ते हाओ जो ला इंतहा परमात्मा है ओदी याद ही महा खुशी है ओनु भूल जाना ही महा गम है। असी ईश्वर नु गवा नहीं सकते, बुलाया है बुला सकते हैं, क्यों बोले है समझ नहीं। तो मैं बस दो दौरा के समाप्ति करूं, जो मेरी समझ विच नहीं होवेगा परमात्मा जरे जरे च होवेगा, रोम रोमे च होवेगा, मेरी समझ विच नहीं है तो नहीं, जो मेरे चेते विच नहीं है। कितने बंदे ने जिन्हां दे चेते विच है, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते कोटन में नानक को नारायण जय जी, कोई करोड़ा च एक जिदे चेते विच परमात्मा, कोई करोड़ा दे एक जिदी समझ दे परमात्मा है। की समझ दे ए प्रभु मैं नहीं समझ सकता, समझ समझ के मैं ए समझ है कि मैं नहीं समझ सकता, जान जान के मैं ए जाने है कि मैं नहीं जान सकता। और जिस दिन जानकारी मनुख की अकल इतनी प्रभावित होती है, मनुख विस्मात होके उन्हें याद कर लग पा, जैसे प्यासा पानी नु याद कर लग पैंदा, जिवें भुखा भोजन नु याद कर लग पैंदा है, और उहदी ज़बान दे ते बार बार भोजन दीआं गल्लां आउंदीआं, पानी दीआं गल्लां आउंदीआं, क्योंकि भुख ते प्यास लगी हुई है। जैसे समझ प्रभावित आउंदी है, परमात्मा दी अंदरों याद चल पैंदी है, रसना वाहिगुरु जपण, वो जपना कुछ होर है, इक प्यासे दा पानी पानी कहना कुछ होर है, एक प्यासे का वाहगुरु वाहगुरु कहना कुछ हो गया। वो जब कहता है तो आनंद नाल भर जाता है, तुम चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए जियो, बुलाया क्यों है समझ तो परे क्यों है। एक विचार दास कई दिन तो गुरुद्वारा सिल्वर स्प्रिंग रख रहे हैं, इतवार तक दास ने हाजरी बननी, जिन्हें कुछ समा हो गुरु वास्ते गुरबाणी विचार वास्ते समा कर सकें, लालमन अठ तो लैके नौ तक दास होकर हाजरी भरता है। कल भी परसों भी फिर इतवार दिन के तीन दिन इतने और दास ने हाजरी भरनी, इतने सिर्फ इतनी सेवा प्रवान करनी सारियों का और मुखी सज्जनों का बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद। फुल चुक दी क्षमा दास की फतेह प्रवान करनी।